नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इन 4 सीटों पर आज होगा मतदान। डायल 112 के लिए 3000 से अधिक चालकों की होगी भर्ती। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से की अपील। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने का जाने नियम। आईपीएल 2024 में आज सीएसके बनाम एलएसडी का होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी सीएचएसएल के लिए 3000 से भी अधिक पदों पर करें आवेदन। एसएससी सीएचएसएल के लिए 3712 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कई पदों के लिए भर्ती ली जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यानी सीएचएसएल साल 2024 की परीक्षा के लिए कुछ दिनों पहले ही आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वेबसाइट https://ssc.gov.in पर विजिट करना होगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 मई है, इस कारण इस तारीख से पहले ही आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख से पहले फॉर्म भर ले। बिहार की इन 4 सीटों पर आज होगा मतदान। बिहार के 4 सीटों पर आज मतदान होगा। पहले चरण के लिए आज नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया में वोटिंग है। इसमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके 38 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए 7903 केंद्र तैयार किए गए हैं। 76 लाख से अधिक मतदाता मतदान करने जा रहे हैं। इसमें 92,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए 5,000 से अधिक बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसमें शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बेला पैलेस के बारे में। बेला पैलेस दरभंगा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बेला पैलेस दरभंगा जिले में मुख्य शहर में स्थित है। ये राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह जी का निवास स्थान था। राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह महाराजा धीरज कमलेश्वर सिंह के भाई थे। इस महल के पास ही में एक छोटा गार्डन भी बना हुआ है जिसे बेला गार्डन कहते हैं। यहाँ पर एक तालाब भी देखने के लिए मिलता है। राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह को जानवरों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने घर में रॉयल बंगाल टाइगर को पालतू जानवर के जैसे पाल रखा था। ये महल बहुत सुंदर है और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस महल को आप बाहर से देख सकते हैं। ये अब एक सरकारी ऑफिस है। गंजे दूल्हे को देखकर दुल्हन के घर वालों ने की दूल्हे की पिटाई। कहा कि सेहरे के नीचे विग लगाकर उनके साथ किया गया है धोखा। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि जहां पहले लड़के वाले दुल्हन की सकल सूरत परख कर हाँ बोलते थे, तो आजकल लड़कियां भी झड़ते बाल देखकर लड़कों को मना कर रही हैं। गंजे होने की दहशत लड़कों के आत्मविश्वास पर ऐसा हमला कर रही कि कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है तो कोई विग पहन कर अपनी लाज बचा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि आजकल के रहन सहन, वातावरण और खान पान की वजह से भारत के मर्दों के जेनेटिक हेयर लॉस और भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि इसके चलते मार्केट में शैम्पू और तेल की बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी हो गई है। इस समस्या का समाधान फिर भी नहीं मिल पा रहा। मुंबई के स्टार्टअप ट्राया के मुताबिक चूंकि बाल झड़ने के अलग अलग कारण हो तो सिर्फ अपना शैम्पू बदलने से बालों को ठीक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन सही ट्रीटमेंट लेने से बालों में ये सुधार लाना संभव है। ट्राया अपनी डॉक्टर द्वारा डिजाइन किए गए हेयर टेस्ट के माध्यम से आपके बाल झड़ने के अंदरूनी मूल कारणों को पहचानते हैं और उस हिसाब से आपके लिए एक खास ट्रीटमेंट किट बनाते हैं जिसके नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर आपके बालों में सुधार आता है। पता लगा है कि ट्राया के ट्रीटमेंट लेने वाले 93% ग्राहकों ने अपने बालों में अच्छा खासा बदलाव देखा है। चाहे बाल झड़ने का कारण खान पान हो या जेनेटिक, ट्राया का ट्रीटमेंट 3 विज्ञान को मिलाकर बनाया गया है, आयुर्वेद, एलोपैथी और न्यूट्रिशन, जिसके कारण ये संभव हो पाया है। हेयर टेस्ट ऑनलाइन है और घर बैठे ट्रीटमेंट मंगवाई जा सकती है, इसलिए देश भर में 8 लाख से भी ज़्यादा निवासियों ने चुना है ट्राया को। ट्राया को चुनना हुआ है आसान। पहले ट्राया के ऐप को डाउनलोड करके उनकी फ्री हेयर टेस्ट लेनी होगी, जिसके बाद अपनी कस्टमाइज किट खरीद कर महज 5 से 6 महीने इस्तेमाल करके रिजल्ट देखा जा सकता है। मेरा कोड बिहार20 यूज़ करने पर आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। डायल 112 के लिए 3000 से अधिक चालकों की होगी भर्ती।
बिहार में डायल 112 के लिए 3171 चालकों की भर्ती ली जाएगी। इस पद के लिए पूर्व सैनिकों की सूची को तैयार किया जा रहा है। मालूम हो कि पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में ये सुविधा प्रखंड स्तर पर देने की योजना तैयार की गई है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत 1000 से अधिक चालकों की बहाली होगी। इन पद पर पूर्व सैनिकों की बहाली ली जाती है। दूसरे चरण में 3171 चालकों की नियुक्ति होगी। सेवानिवृत्त सैनिक चालकों की मानदेय के आधार पर नियुक्ति ली जाएगी। इसे लेकर गृह विभाग ने स्वीकृति दे दी है। बिहार से दिल्ली के लिए 3 अन्य ट्रेनों का होगा परिचालन। बिहार से दिल्ली के लिए 3 अन्य ट्रेनों का परिचालन होने जा रहा है। इसका परिचालन अलग अलग स्टेशनों से होगा। इसकी शुरुआत हो जाने के बाद सफर करने वाले लाखों लोगों को आसानी होगी। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा पटना, दरभंगा एवं सहरसा से नई दिल्ली के लिए एक एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। गाड़ी संख्या 04497 पटना नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल 18 अप्रैल को पटना से खुलकर DDU प्रयागराज कानपुर सेंट्रल के रास्ते अगले दिन आज नई दिल्ली पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04493 दरभंगा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल बीते दिन दरभंगा से खुलकर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर के रास्ते अगले दिन आज नई दिल्ली पहुंचेगी। ये तीनों ही ट्रेन लोगों को कम पैसे में नई दिल्ली पहुंचाएगी। दाखिल खारिज में लापरवाही पर 100 CO को नोटिस जारी। बिहार में लोगों के बीच दाखिल खारिज एक परेशानी बन चुकी है। कई तरह की इसमें समस्या सामने आ रही है। इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले 3 महीने के दौरान इसमें लापरवाही बरतने वाले 100 CO को नोटिस भेज दिया है। इसमें 15 दिनों में अपना जवाब देने का आदेश दिया गया है। अंचलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इन्हें 15 दिनों का समय जवाब देने के लिए दिया गया है। इसके बाद कई लोगों ने अपना जवाब भेज भी दिया है। आपको बता दें कि विभागीय स्तर पर समीक्षा करने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि दाखिल खारिज के आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं। इसके बाद 75 दिनों में इन मामलों का निपटारा करना होता है। जब आवेदनों का निपटारा अंचल स्तर पर निर्धारित समय सीमा में नहीं होता है तो समस्या खड़ी होती है। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने का जाने नियम। UIDAI की ओर से ये सलाह दी गई है कि आप अपने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कर लें। आधार कार्ड के 10 साल पुराने होने पर इसे अपडेट करना जरूरी है। अगर आपने आधार कार्ड को 10 साल से अपडेट नहीं किया है और आपका पता आदि बदल चुका है तो आपको कुछ चीजों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको तुरंत अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहिए। इसके लिए आपको वेबसाइट https://myaadhar.uidai.gov.in पर विजिट करना होगा। यहां आपको अपनी जानकारी अपडेट करने का विकल्प मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। मनीषा रानी ने दिखावा करने वाले यूट्यूबर्स को दी सलाह। मनीषा रानी ने दिखावा करने वाले यूट्यूबर्स को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि वो खुद दिखावा करने में यकीन नहीं रखती हैं। वो कहती हैं कि वो ब्रांड्स भी पहनती हैं तो सेकेंड कॉपी पहनने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी से कुछ भी नहीं छिपाती हैं। ये खुद एक मर्सिडीज खरीद चुकी हैं और बिहार में उन्होंने जमीन भी खरीदी है। अब मुंबई में घर खरीदने की प्लानिंग कर रही हैं। मनीषा ने कहा है कि वो एक बार सिद्धार्थ करण के शो में पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को दिखावा नहीं करने की सलाह दी थी। जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से की अपील। बिहार में आज 4 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है। नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों से खास अपील की है। उन्होंने देश की जनता से कहा है कि वो इस आम चुनाव में हिस्सा जरूर ले। चुनाव भारत की गौरवशाली लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। इसमें अपनी भागीदारी को जरूर निभाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि मतदाताओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्षण है। ऐसे में करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। चुनाव भारत की गौरवशाली लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। मतदान करने के जैसा और कुछ भी नहीं है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मानस बिहारी वर्मा के बारे में। मानस बिहारी वर्मा हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में एक भारतीय वैमानिक वैज्ञानिक सहायक थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बिहार में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोबाइल साइंस लैब का शुभारंभ किया था। 2010 में शुरू की गई उनकी मोबाइल साइंस लैब परियोजना के माध्यम से विज्ञान और कंप्यूटर प्रशिक्षकों की एक टीम वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रदर्शित करने और कंप्यूटर सीखने के लिए स्कूलों का दौरा किया गया। 2018 में भारत सरकार ने उन्हें वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार और पूर्व PM मनमोहन सिंह द्वारा क्रमशः प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया था।
ईवीएम को रखने वाले कक्ष को इस कारण कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम। आज से लोकसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग के बाद ईवीएम को रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम को भी तैयार किया गया है। इसमें सुरक्षा की खास व्यवस्था की जाती है। सुरक्षा कर्मियों के अलावे यहां पर किसी की भी एंट्री नहीं होती है। वोटों की गिनती के लिए इन मशीनों को निकाला जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम को सरकारी बिल्डिंग में ही बनाया जाता है। इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं बनाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग रूम के चयन के लिए कई नियमों का पालन किया जाता है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाती है। बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सुरक्षा बलों की होती है। स्कूल, मॉल, दुकान समेत अन्य जगहों पर आग से बचाव को लेकर कही गई ये बात। बिहार में अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में कई जगहों पर आम लोगों को सभी सार्वजनिक स्थलों पर जाकर आग से बचाव की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में पटना के निजी और सरकारी स्कूल, दुकानें, शॉपिंग मॉल समेत अन्य स्थानों पर जाकर अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी है। आग बुझाने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। इन्हें चलाने के तरीके के बारे में बताया गया है। आग किस चीज से लगी है पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। आपको बता दें कि रोजाना अलग अलग स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इलाज के लिए पीएफ खाते में पैसे निकालना संभव। इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालना संभव। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ईपीएफओ के सदस्य अब अपने या अपने आश्रितों के इलाज के लिए पीएफ के खाते से 1,00,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। ये पैसा उन्हें एक दिन के अंदर मिल जाएगा। पहले ये राशि 50,000 थी, लेकिन अब इसमें इजाफा किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अपने सदस्यों को राहत दी गई है। 10 अप्रैल 2024 से इस नए नियम को लागू किया जा रहा है। जानलेवा बीमारियों के लिए एडवांस की सुविधा दी जाएगी। वहीं एडवांस के लिए वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। बिहार में आज के मौसम का जाने मिजाज। बिहार में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज के ताजा मौसम के हालात के बारे में अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार अगर राज्य के दक्षिण भाग, सिवान और गोपालगंज की बात की जाए तो मौसम गर्म रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आज सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई गई है। उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार में भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पटना जिले की बात करें तो यहां का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि यहां का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। मधुबनी में नकली शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। मधुबनी में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। यहाँ पर मधुबनी और दरभंगा के दर्जनों युवक शराब बनाने के काम में जुटे हुए थे। दरअसल पिछले दिनों पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनसे हुई पूछताछ में इस बात का खुलासा किया गया है कि पंडौल थाने की पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर विदेशी शराब के नकली स्टीकर, खाली बोतल, ढक्कन, तैयार सीलबंद शराब की बोतल को बरामद किया है। पुलिस ने सभी सामानों को जब्त कर लिया। बिहार पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बिहार की बगहा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के 15,000 के इनामी बदमाश को धनहा थाने की पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए बदमाश के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के थानों में करीब 29 मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि इस अपराधी ने बीते 15 मार्च को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 2,00,000 रुपए की लूट की थी। इस मामले की जाँच के लिए बगहा के एसपी के द्वारा दिए गए निर्देश पर SIT का गठन किया गया था। तकनीकी सेल की मदद से मामले की जांच की गई और छापेमारी करने के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। यूपीएससी ने परीक्षा के कट ऑफ को किया जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा 2023 के एग्जाम रिजल्ट के बाद 3 चरणों के कट ऑफ को जारी कर दिया है। परीक्षार्थी वेबसाइट https://upsc.gov.in पर कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल एग्जाम के कट ऑफ की जानकारी आसानी से ली जा सकती है। UPSC-CSE 2023 के कट ऑफ के अनुसार प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 75.41, EVS की 68.02, OBC की 74.75, SC की 59.25 और ST की कट ऑफ 47.82 है। इस साल फाइनल कैटेगरी में ST की कट ऑफ 891 और SC की कट ऑफ 890 है, जबकि जनरल के कट ऑफ 741 है। पवन सिंह रोड शो के साथ चुनावी प्रचार का करेंगे आगाज। अभिनेता पवन सिंह रोड शो के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं।
मालूम हो कि इन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद अब ये 100 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। 23 अप्रैल को ये रोहतास के काराकाट, नोखा और डेहरी में रोड शो करेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को औरंगाबाद के ओबरा, गोहर, नवीनगर में रोड शो करेंगे। पवन सिंह जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लोगों से अपने लिए वोट अपील करेंगे, साथ ही चुनाव में जीत दिलाने की मांग करेंगे। तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ के गाली देने पर भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ के द्वारा चिराग पासवान की मां को गाली देने के मामले में भाजपा भड़क गई है। चिराग पासवान ने पहले इस घटना की निंदा की है। इसके बाद बीते दिन भाजपा के नेताओं ने एक सुर में इस घटना का विरोध किया है। इन्होंने अपशब्द से राजद के गुंडा राज की याद दिलाई है। डिप्टी सीएम ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले में भाजपा और जदयू के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, साथ ही प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की बात कही गई है। गिरिराज सिंह लोकसभा चुनाव के लिए आज करेंगे नामांकन। गिरिराज सिंह बेगूसराय से एनडीए के प्रत्याशी हैं। यहां पर चौथे चरण में मतदान होगा। चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अब गिरिराज सिंह के नामांकन की तारीख सामने आई है। जानकारी के अनुसार ये आज नामांकन करने वाले हैं। इनके खिलाफ भाजपा के अवधेश राय चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी है। वहीं आज तीसरे चरण में नामांकन का आखिरी दिन है। दूसरी और गुरुवार को दूसरे चरण में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि आज पहले चरण का मतदान भी है। बिहार में राहुल गांधी की कल चुनावी सभा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे किशनगंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 अप्रैल को चुनावी सभा करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ये बिहार में इनकी पहली चुनावी सभा होगी। राहुल गांधी भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इनसे एक दिन पहले यानी आज मल्लिकार्जुन खड़गे किशनगंज और कटिहार में पहुंचेंगे। इनके साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रसाद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह मंच को साझा करेंगे। मालूम हो कि दूसरे चरण में बिहार में किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका और पूर्णिया में मतदान होगा। इसमें भागलपुर, किशनगंज और कटिहार से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बिहार आने से बिहार कांग्रेस को कितना फायदा होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आईपीएल 2024 में आज सीएसके बनाम एलएसजी का होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज सीएसके बनाम एलएसजी का मुकाबला होने जा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल के पॉइंट टेबल के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 मैचों में 4 में जीत दर्ज की है। 8 अंकों के साथ ये तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल में 6 मैचों में 3 में जीत दर्ज कर चुकी है। 6 अंकों के साथ ये 5वें स्थान पर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि आज के मैच में लखनऊ की टीम अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी। दोनों ही टीम आज के मुकाबले को जीतने का पूरा प्रयास करेगी। आपके अनुसार आईपीएल 2024 का खिताब सीएसके के जीतने का कितना चांस है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने 1612 में मुमताज से निकाह किया था। सन 1853 में एशिया की पहली ट्रेन बॉम्बे से तन्ना तक चलाई गई थी। वर्ष 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया था। विनोबा भावे ने 1950 में आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना है, के पंचमपल्ली गांव से भूटान आंदोलन की शुरुआत की थी। सम्राट अशोक नामक देश का पहला जम्बो जेट विमान 747 सन 1971 में मुंबई में उतरा था। सन 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ था। आज के दिन ही विश्व विरासत दिवस और आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाता है। गूगल मैप में आ रहा है ये बेहतरीन फीचर। गूगल मैप में एक नया फीचर आने वाला है। इसके जरिए आप 3D व्यू में नेविगेशन को देख पाएंगे। गूगल मैप में नए फीचर को जोड़ा गया है। इसकी मदद से यूजर्स को यात्रा के दौरान रास्ता देखने में काफी आसानी होगी, उनके एक बेहतर अनुभव मिल सकेंगे। आपको बता दें कि इस नए फीचर का नाम 3D बिल्डिंग है। इसमें इमारतों को 3D डायमेंशन में देखना संभव हो सकेगा। बताया जाता है कि गूगल मैप के द्वारा कुछ समय में इस फीचर का परीक्षण किया जा रहा था, इसके बाद अब इसे जोड़ा गया है। गूगल मैप के बीटा वर्जन 125 में ये फीचर उपलब्ध भी है। इसके इस्तेमाल के लिए गूगल मैप में सेटिंग के विकल्प को चुनकर 3D बिल्डिंग को चुनना होगा। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में फिर गिरावट दर्ज। उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर से बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 332 अंक टूट गया है।
वहीं निफ्टी 22,050 तक नीचे फिसल गया है। शुरुआती बढ़त के बाद भी बीते दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ है। बुधवार को रामनवमी की छुट्टी के बाद गुरुवार को बाजार घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर खुले थे, लेकिन ये अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख सके। कारोबार बंद होने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी औंधे मुंह नीचे गिर गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी है मुरारजी देसाई और वीपी सिंह। इसका सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने, ऑप्शन बी है कनाडाई सरकार ने, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सरकार ने, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड सरकार ने। इसका सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने थे? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी है शुभमन गिल। इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। मुंगेर के भीम बांध से किस काल के औजार मिले हैं? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्यम पाषाण काल, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल, ऑप्शन डी है ताम्र पाषाण काल। इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है पटना सिटी, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है बिहार शरीफ। इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, दीपक कुमार, पंकज कुमार दास, अनवर करीम खान, अतीक खान, उमेश ऋषिदेव, राजीव कुमार, रानी कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।